cele cu unele. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Yonimchi. Happy birthday to you. Ye sab aapke liye. I love you all. Thank you so much. Thank you, Dishika ji. Please, kaise kya chamak hai? खा लेंगे खा लेंगे मेरा बूम पीछे रखा है। आइए आप आइए मैडम। आइए इधर आइए। अरे आप आप करना। अरे आइए आइए आइए। आपके सामने देखिए। मैंने एकदम सामने। क्या लुक है? कैमरा लुक? एकदम सामने आपके? एक मिनट हम लोग दीप्शी को ही लेकर आते हैं। कम यहाँ यार तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है। हाँ हमारी बहन बड़ी छे। हाय अंकल सॉरी ये टाइम है आने का क्या ये ही टाइम है आने का इसलिए बर्थडे गर्ल भी मिल गई। हैप्पी बर्थडे दीप्शी। Look here. Right. Yes.
20th August, hers is 23rd August. Imagine. ये अभी शर्मा थी बाद में ऐसे चिंगड़ खेल लेती हूँ ना यस बहुत बहुत मुबारकबाद थैंक यू क्या खास मौका है क्या खास मुझे पता है मौका तो बहुत खास है और कुछ खास अनाउंसमेंट भी है क्या आपके एंड पता नहीं ऐसे सब क्यों पूछ रहे मुझे अनाउंसमेंट इट्स एवरीथिंग हैपेंस यू नो इवन शाहरुख डस या आई यस शाहरुख डस बट आई कैन जस्ट से थैंक यू बर्थडे फॉर मी इज ऑलवेज स्पेशल माई चिल्ड्रन नोज आई सेड बर्थडे के नाम पे मैं ऐसे छोटी बच्ची हो जाती हूँ कि ओ मेरा बर्थडे मुझे ये करना है मुझे वो करना है एंड थैंक्स टू दिस टाइम कौशिक एंड प्रशांत फॉर इन्वाइटिंग ऑल ऑफ यू इन हैंडलिंग एवरीथिंग फॉर मी सो कुछ ना कुछ हो ही जाता है और एक मेरे में इतना जो अंदर एक बच्चा है जो हमेशा उसको सेलिब्रेट करना होता है बर्थडे एंड आई थिंक वेन एवर माई बर्थडे कम्स इट रिमाइंड्स मी आई एम स्पेशल आई शुड लव माई सेल्फ एंड आई शुड सेलिब्रेट लाइफ दो आई डू इट बट हम बीच में कभी भूल जाते हैं एंड यस मेघा बरसिंह के मेरा नया शो आ रहा है पहली बार जिंदगी में क्रिटिक ने मेरे काम की तारीफ की है तो आई थिंक आई सेलिब्रेशन तो बनता है मतलब आप शाहरुख से लेकर कोई ऐसा दिक्कत नहीं जिसके साथ आपने काम ना किया एक लंबा वक्त हो गया इंडस्ट्री में हाउ डू यू सी योर जर्नी सो फार और कोई ऐसा बर्थडे जो आपने सेट पे मनाया हो यू रिमेंबर यस आई कैन जस्ट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड द इंडस्ट्री कि मुझे सबके साथ काम करने का मौका मिला फिल्म से टीवी से OTT एवरीथिंग एंड 30 years आई एम इन दिस इंडस्ट्री एंड आई एम स्टिल हियर एंड पीपल लव मी तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल यस जब मैं कोयला कर रही थी तब मेरा बर्थडे था और मैंने सेलिब्रेट किया था शाहरुख राकेश जी एवरीबडी केम दैट टाइम टाउन में मैंने किया था एंड ऑल माई बर्थडेज आर वेरी मेमोरेबल एंड कभी मैं सेलिब्रेट करती हूँ लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने बॉलीवुड थीम की थी अब्बास मस्तान सब आए थे तो मेरी बेटी आके बोलती मम्मा समबडी इज ड्रेस्ड अप लाइक अब्बास मस्तान ऐसे थे अब्बास मस्तान ओनली सो अ लॉट ऑफ मेमोरीज आई हैव तब बच्चे छोटे थे अब वो मेरे साथ सेलिब्रेट करते तो मुझे और अच्छा लगता है इज देयर अ पॉसिबिलिटी शी आल्सो जॉइनिंग इंडस्ट्री आई डोंट नो आई डोंट थिंक सो आई एम साइंड विद अ मॉडलिंग एजेंसी एट द मोमेंट इज देयर समथिंग इन द पाइपलाइन राइट नाउ शी वांट्स टू डू मॉडलिंग एंड देन लेट्स सी हाउ द करियर गोस एंड शी इज माय लिटिल गर्ल व्हाट योर रिएक्शन जब क्रिटिक्स सराहते हैं आपके काम को और वो भी जैसे आपने कहा 30 साल इतना लंबा वक्त बहुत एक तो बहुत अच्छा लगता है आई स्वेयर इट टुक सो लॉन्ग एंड दिस शो आई कैन जस्ट से इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट रोल एक्चुअली विच आई हैव नॉट प्लेड तो जब एक हफ्ते के बाद रिव्यू आया तो आई वी वर जस्ट गोइंग यू नो कि अभी मैंने ध्यान नहीं दिया एंड सडनली रिव्यू दे वर प्रेजिंग द शो शो इज़ वेरी नाइस एंड सडनली आई सी अंडरलाइन कि दीपशिका इज पोर्ट्रेइंग रोल वेरी गुड आई वॉज लाइक वाह फाइनली यू नो तो अब और मज़ा आता है जब आपकी तारीफ होती है या कोई अवार्ड मिलता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि मैं और अच्छा करूँ और मेहनत करूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है साथ ही साथ इस बात का डर भी होता है कि एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा हाई होगी नहीं मेरी कॉम्पिटिशन मुझसे ही होती है हमेशा मैं हमेशा अपने आप को कंपेयर करती हूँ कि पिछले शो में मैंने क्या किया था जो इस शो में मैं नया कर रही हूँ ऐसा क्या है जो मुझे 12 घंटा सेट पे जाने के लिए ड्राइव करता है सो दैट आई ऑलवेज सीन द माई रोल एंड द प्रोडक्शन इन एवरीथिंग एंड बिग बॉस के बाद ये पहली बार मैं कलर्स के लिए शो कर रही हूँ मतलब तो इतना डिफरेंस हो गया आई डोंट नो वाई बट आई एम वेरी हैप्पी दैट एटलीस्ट आई एम डूइंग इट तो अपनी कॉम्पिटिशन अपने हाथ है आई वॉन्ट टू सी थैंक यू टू एंटायर माई फैंस उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है आप सब ने दिया है प्रेस माई इंडस्ट्री माई फैंस एवरीबडी इसलिए मैं 30 साल तक यहाँ रही हूँ एंड यही कहूँगी कीप मी इन योर प्रेयर्स एंड कीप लविंग मी एंड आई प्रोमिस यू दैट आई विल कीप एंटरटेनिंग यू थैंक यू सो मच थैंक यू नन्ही सी प्यारी सी दीपशिका कमसिन सी दीपशिका का बर्थडे है कम टू सेलिब्रेट इट दीपशिका हैप्पी बर्थडे माई डार्लिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू सर एक क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे कि हाउ
रानी आपकी और दीपिका मैम की दोस्ती है, तो एक मिस्ट्री को एक बस्ती जो आपको हमेशा करते हैं। आपके पास चार घंटे हैं? दो मिनट तो है, दो मिनट भी नहीं बता सकते। इतने कमाल मोमेंट्स उनके साथ हमने गुजारे हैं कि दो मिनट में कभी नहीं बयां कर पाऊंगा, एक जिंदगी लग जाएगी बयां करने के लिए। अच्छा दीपिका जी की वो एक क्वालिटी जो हम में से बहुत लोग बतौर एक्ट्रेस सिर्फ नहीं जानते पर बतौर दोस्त आप जानते, वो बहुत ही दिखाती बहुत बहादुर है मगर बेचारी छोटी सी बच्ची है अंदर से, वाकई एक बच्ची है अंदर। और वो बोलते हैं ना बाहर से शेर, अंदर से एक छोटी सी बच्ची है वो, इमोशनल है मतलब बहुत इमोशनल। वो एक मोमेंट जहाँ पे इमोशनली आपको आपने उनको सपोर्ट किया। ओ हो दीपिका इज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर टू मी। ऐसा कोई वक्त नहीं होता है जब दीपिका मुझे फ़ोन करके कुछ कहना चाहती है, बताना चाहती है या मेरा ओपिनियन लेना चाहती है। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इतने बड़े ओहदे पे रखती है अपने जहन में, और बच्चों के साथ भी अगर कुछ डिस्कशन करना होता है तो माय ओपिनियन इज़ ऑलवेज टेकन एंड आई रिस्पेक्ट दैट ग्रेटली। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे कैमरास गिनने दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इतने कैमरा इतने ही है। एनीवे दीपिका मेरी बेटी की तरह है, उसकी शादी में भी शरीक हुआ था एंड शी इज़ अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। इनफैक्ट अभी हमने रिसेंटली एक सीरियल भी किया है, राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी, सोनी टीवी पे आता है 10:30 बजे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। यू विल कैच दीपिका, यू विल कैच मी दीपक पराशर एंड अ टीम ऑफ एक्टर्स विशिंग दीपिका वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। दीपिका और मेरी दोस्ती 25 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। हम लोगों ने बहुत पहले एक लंदन में एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग की थी जिसमें मैं आई वॉज़ द लीड मैन एंड शी वॉज़ द लीडिंग हीरोइन। उस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी थी, उसमें मेरी वाइफ भी वो बनी थी और हम दोनों की एक बच्ची थी जो कि बड़ी होने के बाद वो भी दीपिका ही बनी थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। वहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे और नहीं पता था कि हमारी दोस्ती जो है वो इतने साल तक चलेगी। आई थिंक वो 1998 या 99 की बात कर रहा था मैं, फिल्म जो जिस फिल्म की बात कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने हमारी फैमिली बहुत अच्छी, हमारे फैमिली रिलेशन्स हैं, मेरे घर में उनका आना जाना है, मेरा भी उनके घर में आना जाना है। उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, उन्होंने मेरी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं, तो एक बहुत ही पुराना और एक बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है उनके साथ। सो आई मीन उनका बर्थडे होता है 20 अगस्त को और उस दिन तो खैर आना ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोगों की मुलाकातें होती रहती हैं। मेरे घर में मेरी वाइफ के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। हम लोग हमेशा गणपति विसर्जन हो या कोई भी फेस्टिवल हो, दिवाली होली हो, हम लोग पूरे कोशिश करते हैं कि हम लोग मिलें। और थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं उनको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी। बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, बहुत ही अच्छी लेडी है और मेरी बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड है। हम लोग सब साथ एक किटी में हैं। उनके लिए एक स्पेशल बर्थडे गिफ्ट लाई हूँ मैं, सो आई थिंक उनको ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगेगा। एक बहुत ही उनका फेवरेट परफ्यूम है और उनको पता नहीं है, इट्स अ सरप्राइज फॉर हर। बट जैसे हम लोग अभी गोवा गए, केरला गए एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम विद हर। दीपिका ऐसी है, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जब दीपिका होती है हम लोग को टेंशन नहीं होता है फोटो या रील का, क्योंकि शी इज़ दी एक्सपर्ट इन क्लिकिंग पिक्चर्स एंड रील्स, और हमको पता है कि दीपिका है तो हमारे सारे फोटोज़ अच्छे निकलने वाले हैं।
अभी तो वी हैव आई हैवन साइंड एनीथिंग येट. मेरा टाटा प्ले ही चल रहा है जो मेरा टैरो शो है, बट आई एम श्योर बहुत जल्द बहुत कुछ हो जाएगा होपफुली. आई मेट सना, आई मेट पॉलोमी, मिली तो इन दोनों से हूँ. बातचीत तो ऑफकोर्स लव एंड विशाल से काफ़ी हुई है, नेजी से बात हुई है, तो आई थिंक ये चार पांच लोगों से, रणवीर जी से कल बात हुई, उनका बर्थडे था परसों, मैंने उनको कल हमारी बात हुई. सो आई थिंक ये पांच छः जन लोग हैं जिनके साथ, दीपक जी से बात हुई. सो या हाँ जी, हाँ आपको किसकी विडम ज़्यादा लगी और कौन कौन अभी दोस्त नहीं बन पाए? आई मीन इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि मतलब जिनके साथ बिल्कुल नहीं बन रही है, जैसे कि मतलब विशाल अरमान, उनका तो नहीं है, मेरा अरमान का नहीं है उनकी फैमिली के साथ, तो ऐसे लोगों में तो आई डोंट थिंक कि मतलब बिसाइड बीइंग कॉर्डियल, आई डोंट नो कॉर्डियल भी रहेंगे या नहीं, बट ऑफकोर्स वो इशू तो सबको पता ही है. या थैंक यू. हाँ जी हाँ जी, हाँ उसकी मोहब्बत है तो उससे जुल्म ना करो, ना करो. चलो ये डिस्क्लेमर क्यों था? बिकॉज मैं एक्चुअली लोगों की सोच है कि आप जिसके साथ ज़्यादा वीडियोस करते हैं या फिर ज़्यादा आप उसके साथ मतलब मेरे से कंफर्टेबल हैं, तो ही इज़ माय गुड फ्रेंड, ही इज़ माय फैमिली फ्रेंड, तो मुझे लगता है कि मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि लोग बोलते हैं कि ये अर्शी का बॉयफ्रेंड है, उसका हस्बैंड कुछ भी बोल देते हैं, तो उसका है ऑलरेडी, तो बीच में उन लोगों के ना लड़ाई झगड़े करवाओ, तो मुझे दूर रखो इस गॉसिप. मेरे और भी चक्कर हैं गाइस, उसके बहुत चक्कर हैं. ओके, दीपशिखा का बर्थडे, क्या कहना चाहेंगे आप दीपशिखा के बारे में और ऐसी क्या वो बातें हैं जो दीपशिखा को बाकी दुनिया से अलग करती हैं? दीपशिखा को मैं 3 साल से जानती हूँ एंड वो जैसी दिखती थी मुझे स्क्रीन पे जब मैं अपने घर पर देखती थी, तो मुझे वो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बोल्ड दिखती थी. मैं सोचती थी कि बहुत अलग अलग टाइप की लेडी होंगी, लेकिन जब हम एक इवेंट में मिले तो मुझे पता चला कि ये काफ़ी सादगी से भरी हुई, जो घर पर रहने वाली एक जो हमारे माँ की तरह, बहनों की तरह, बड़ी बहनों की तरह, शी इज़ लाइक डैट. खाना खाना पकाना, खिलाना, सर्व करना, शी ये इसलिए बहुत अलग है. आई थिंक शी इज़ ओरिजिनल डीवा एंड बहुत टाइम से उन लोगों ने उनको देखा है, सराहा है उनके काम को, एंड आई थिंक शी इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड स्टनिंग नाउ आल्सो, एंड वी बोथ रियली वांट टू विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे टुडे. मेरा क्रश थी वो है, आई थिंक काफी होगा. मैंने खुद ही गई और मुझे ये पसंद आया ड्रेस और मैंने ले लिया, दैट्स इट. कोई डिज़ाइनर नहीं, मैं डिज़ाइनर्स का कुछ वो नहीं करती, मुझे जो पसंद होता है मैं लेकर पहन लेती हूँ, जो मेरी पर्सनालिटी पे सूट होगा, चाहे वो पजामा कुर्ता हो, चाहे साड़ी हो, वट एवर. एंड आई थिंक दैट मैटर्स मोर, आई थिंक फैशन इज व्हाट लाइक जहाँ आप कंफर्टेबल हो. बहुत चीज़ें हैं जो आने वाली है और इंशाल्लाह ऐसी साल आएंगी तो बोलने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा अगर हिंट भी दे दें तो थोड़ा, कुछ मूवीज है रिलीज होने वाली है. थैंक यू सो मच. चाहो मैं नहीं यहाँ पे, ये मुझे अरे एक्सेस विशाल ही दे देना चाहूँगा कि दीपशिखा जी एवर ग्रीन ब्यूटी हैं, एवर ग्रीन ए सक्सेसफुल गर्ल ही कहूँगा इनको, क्योंकि जब भी हम देखते हैं ये गर्ल ही लगती हैं. सो विशिंग हर ए लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ गुड हेल्थ, क्योंकि ये दो चीज़ें मिल जाएं तो बाकी चीज़ें ज़िंदगी में अपने आप ठीक हो जाती हैं. सो विशिंग गुड लक ऑलवेज टू हर. बॉन्डिंग मेरी बहुत अच्छी रही है, मतलब टिकट खर्च के स्क्रीन से देखने से लेके आज अगर उनके बर्थडे पार्टी में शामिल हो रहा हूँ तो ये मेरे लिए बड़ी बॉन्डिंग है, क्योंकि जब कोयला इनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी तो हम अमृतसर में थे, और बीइंग ए शाहरुख फैन जब लाइन में लग के ब्लैक में टिकट लेके अंदर गए तो अंदर दीपशिखा के भी दर्शन हुए थे पहली बार. सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल मेमोरी. और उसके बाद जब यहाँ मुंबई आके मुझे मिले और उन्होंने भी हमें पहचाना तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी. सो
उसके बाद से हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि अब घर में कोई भी फंक्शन होता है तो वो मेरे घर में आती हैं, उनके घर में होता है, स्पेसिफिकली गणपति जी जो फिर आने वाले हैं. सो वी विजिट ईच अदर हाउस एवरी ईयर. सो मुझे लगता है गणपति बप्पा की भी थोड़ी सी मेहर है कि बॉन्डिंग हमारी बढ़ गई. सो विशिंग हर ए गुड लक, गुड हेल्थ एंड लॉट ऑफ सक्सेस. या दैट इज सरप्राइज. थैंक यू. कर ले, फिनिश कर ले. नहीं हाँ पूछो ना. हैप्पी बर्थडे. नाउ आई वांट टू विश हर ऑल द सक्सेस एंड आई होप उसे कोई बहुत ही स्वीट सा लड़का मिल जाए हु शी कैन ट्रस्ट, हु शी कैन लव, बिकॉज़ आई थिंक शी रियली वांट्स टू लाइक नाउ गेट मैरिड. या रियली? या शी वांट्स टू बी विद समवन. आई वुड टेल हर दैट शी शुड बिकम सो इंडिपेंडेंट एंड शी डजंट रियली डिपेंड, नीड्स टू डिपेंड ऑन एनी. But I don't think your happiness depends on any person. Yeah, I would like you and I know. I would like to wish her happiness and success. I think there's nothing bigger than success. I think happiness, success, paisa, bangla, gaadi, bachche, sab kuch hai uske paas. She just doesn't have this one guy. So I'm wishing her she gets this one guy this year. Yeah. Okay. To wahi hai. Bas wahi. Same thing. Aap log bhi koi bonding issue share karna chahoge audience se aapka? दीपशिका की किटी गैंग में है. ये लोग हर रोज बात इन लोग का बहुत है गैंग. इन लोग का चुगली मौसीज है ये सब एक ग्रुप में, तो इनको पूछो. हमारा मतलब इतना नहीं घुसते हम लड़कियों में. रोज बात होती है और नॉर्मली जो गर्लफ्रेंड्स के बीच में होता है तो वी ऑलवेज शेयरिंग दैट. लेकिन आई डोंट थिंक जो बातें हम लोग करते हैं वी कैन शेयर दैट ऑन द कैमरा, अदर्स विल बी अरेस्टेड. लेकिन मेरे को एक ही बात बोलनी है. जैसे लोग बोलते हैं ना कि एयरपोर्ट लुक्स बना के एयरपोर्ट पे ट्रैवल नहीं करते, वापस घर चले जाते हैं, वैसे ही दीपशिका हर दिन शूटिंग पे जाती है. मैं उसको पूछ रहा हूँ हाँ क्या रहा है. मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि वो हर दिन काम कर रही है और वो हर दिन ऐसे ही काम करती रहे. शी इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी वेरी इंडिपेंडेंट एंड आई थिंक शी इज द वाइल्डेस्ट गुजराती चीक आई हैव एवर सीन. सो ऑल द बेस्ट एंड द लाउडेस्ट ऑल्सो. उसका कोई वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है. थैंक यू गाइस. थैंक यू. थैंक यू. मैं पहला बर्थडे अटेंड कर रहा हूँ दीपशिखा का और उधर ही देखी बस. सो हमारी दोस्ती अभी आई थिंक वो मेरे बर्थडे पे आई थी तो वहाँ से मेरी फ्रेंडशिप हुई है और उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे आना ही था, इसलिए मैं आज आया उनके बर्थडे पार्टी में. यार कमाल बात यह कि हम बहुत कम मिलते हैं लेकिन आज मौका था कि चलो आज मुलाकात होगी और भी बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स मुझे अंदर दिखे तो अभी मज़ा आएगा. अंदर गाऊंगा उनके लिए. तू है के नहीं, तू है के नहीं. थैंक यू. थैंक यू. आज भी सब दीवाने हैं. थैंक यू भाई. थैंक यू सो मच. अगर उसमें कुछ कलाकारी से हो तो दर से जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे. हाँ बिल्कुल. जब भी मैं आया हूँ मेरे साथ 150-200 एक्टर साथ में ही आते ही है तो मुझे बहुत कम लोग पार्टी में बुलाते हैं. जिसका बजट है वही बुलाते हैं क्योंकि मैं अकेले आता नहीं, 150-200 लोगों के साथ में लेकर आता हूँ. मतलब मेरे अंदर 150 एक्टर है. तो मैं यही कहूँगा कि आज दीपशिका का बर्थडे है, मेरी दोस्त है और मेरी नेबर भी है, हम सेम बिल्डिंग में रहते हैं. और यही कहूँगा कि दीपशिका जी आपको हैप्पी बर्थडे टू यू. अकेले नहीं आया हूँ, बहुत सारे लोग हैं. आइए सर. हाँ दिस अक्षय कुमार. दीपशिका जी मेरी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे टू यू. डोंट एंग्री मी. माँ जी सटकली. दीपशिका का बर्थडे है, मेरी तरफ से पापा हैप्पी बर्थडे. माँ का, बाप का, दादा का, सबके बर्थडे बनाएगा दीपशिका. हैप्पी बर्थडे टू यू. दीपशिका जी आपको पीएम भी विश कर रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी आपको बर्थडे विश कर रहे हैं. मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे देशवासी, आप सभी को दीपशिका नागपाल को बर्थडे विश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भाई बहनों, बहुत ही प्यारी कलाकार है. धन्यवाद.
थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मैं सबसे पहले दीपशिखा को वेरी 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 हैप्पी बर्थडे एंड आई एम प्रेइंग एंड होपिंग दैट हेल्थ वेल्थ सक्सेस तो है ही एंड दीपशिखा इज समबडी जो एज बिल्कुल नहीं करती हैं सो आई एम जस्ट विशिंग हर अनदर ईयर ऑफ एजिंग बैकवर्ड्स एंड विद लॉट्स ऑफ लव एंड बहुत सारी मस्ती एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर बहुत पुराना हमारा रिश्ता रहा है सो आई एम जस्ट हैप्पी टू बी हियर थैंक यू सो मच हाँ मुझे मंजरी मिली थी जो अभी शायद अभी नहीं कर रही पहले कर रही थी क्रिएटर थी ना मंजरी हाँ हाँ इसका ना अपना भैरवी का ना या क्या विश करें बस ऐसी ही जो हमारी फ्रेंड है दीपशिखा शी इज द लाइफ ऑफ एवरी पार्टी ऊपर वाले ने उसको बहुत एनर्जी दी है बहुत खूबसूरती दी है शी इज़ वेरी वाइब्रेंट यही दुआ है कि उनकी एनर्जी ऐसे ही बरकरार रहे उनकी खूबसूरती ऐसे ही बरकरार रहे वो हर महफिल की शान बनती रहे यारों का यार है वो लव दीपशिखा नहीं नहीं वही इमरान ने इतनी सी बातें कही ये इतने अच्छे अल्फाज उससे बेहतर मैं क्या कहूँ अल्फाज बट या वी ऑल हियर बिकॉज़ वी लव दीपशिखा ऑफ कोर्स एंड गॉड फादर सही जगह है बिकॉज़ वो गॉड मदर ही वेल सेड सर ये भी उन्होंने काम किया हम लोगों ने तो सिर्फ स्क्रीन पे देखा और इन स्क्रीन पे देखा बट आप लोग एज अ फ्रेंड उनके साथ काफी कुछ स्क्रीन ऐसी मूवी जो आप शेयर करना चाहेंगे यार मैं तो उसकी जो जर्नी है दीपशिखा की शुरू से ही देखा है मैं ज़रा सीनियर था आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बट देन शी स्टार्टेड और एक डैनियल डांजोपा का सीरियल था अजनबी पता नहीं आप लोग शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे 30 साल हो गए हैं उसको तो शी हैड अ फैबुलस रोल हम ऑल द वे कश्मीर जाके शूट किए थे हमने तो बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं देन शी इज़ प्लेड माई सिस्टर शी इज़ प्लेड माई वाइफ और एक सीरियल में उसने मेरी माँ का भी रोल किया था ये किसी से कहना नहीं एक्चुअली इन दहेज नहीं नहीं मैंने भी दीपशिखा बहुत काम किया है सिर्फ हस्बैंड और बॉयफ्रेंड सो आई वाज मोर लकी बट नहीं नहीं वो यारों का यार है yeah. बहुत प्यारी है और बहुत लवेबल है और जैसे इसने कहा कि बहुत सारी एनर्जी है आई हैव नॉट सीन अ गर्ल एज गट्सी मैं बता रहा हूँ ये आपको पूरी इंडस्ट्री बोलेगी हिम्मत एम्बिशियसनेस हार्ड वर्किंग एंड गट्सी वो लड़की मतलब समंदर पार कर देगी अगर उसको कुछ चाहिए तो एंड आई फील ये उसका अभी मिड वे है बहुत लंबी जर्नी वो तय करेगी गॉड विलिंग एंड शी इज आवर करंट प्रवीण बाबी शी लव्स दैट चलो लव यू फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स सब्सक्राइब टू टेलीबाइट्स राइट अवे